क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, ऑप्शन ए है अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पर MY मिलियन ईयर्स अगो है, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायपिथिकस एंड ड्रमापिथिकस वर एक्सिस्टिंग, यानी 15 मिलियन साल पहले जो प्राइमेट्स थे ड्रायपिथिकस और रामापिथिकस वो रहते, वो पृथ्वी पर पाए जाते थे। ऑप्शन बी है रामापिथिकस वॉज मोर एप लाइक, यानी जो रामापिथिकस था वो ज़्यादा एप की तरह लगता था। ऑप्शन सी है होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो होमो इरेक्टस थे उनका जो ब्रेन साइज था वो ब्रेन बहुत बड़ा था, लगभग 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ऑप्शन डी है द ब्रेन कैपेसिटीज वर बिटवीन 650 to 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ होमो हैबिलिस, यानी जो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 या से लेके 800 सेंटीमीटर क्यूब थी, जो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से लेके 800 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर थी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी रामापिथिकस वॉज मोर एप लाइक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो रामापिथिकस थे वो मोर ज़्यादा एप की तरह नहीं, ज़्यादा ह्यूमंस की तरह लगते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ड्रायोपिथिकस थे वो ज़्यादा एप की तरह लगते थे, यहाँ पर रामापिथिकस नहीं ड्रायोपिथिकस होना था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और हमसे क्वेश्चन प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए जो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स ड्रायपिथिकस और रामापिथिकस जो थे वो पृथ्वी पर पाए जाते थे, इसी तरह जो होमो इरेक्टस है उनका जो ब्रेन था वो काफ़ी बड़ा था, अराउंड 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ऑप्शन डी जो है द ब्रेन कैपेसिटीज वर बिटवीन 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर थी इनकी होमो हैबिलिस की, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का सही उत्तर है, यानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो है ऑप्शन बी रामापिथिकस वॉज मोर एप लाइक। तो ये हमारे पास रामापिथिकस की फोटो है, तो ये रामापिथिकस जो थे वो जो है वो उसको हम एप मैन भी कहते हैं क्योंकि जो रामापिथिकस था वो जो है ज़्यादा आदमियों की तरह, ज़्यादा ह्यूमंस की तरह लगता था। वो जो है कब पाए जाते थे ये रामापिथिकस, ये जो है लेट मायोसिन और अर्ली प्लायोसिन पीरियड में पृथ्वी पर पाए जाते थे। जो फॉसिल्स हैं, जैसे जो उनके अंदर जो फॉसिल्स में हमें पता चलता है, वो क्या पता चलता है कि जो जॉस थे उनके अंदर डेंटिनेशन थी, यानी उनके दांत थे। फॉसिल कंटेंस ओनली जॉस एंड डेंटिनेशन, ठीक। इसके बाद जो कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका जो फॉसिल्स मिले हैं जिनमें सिर्फ जॉस और डेंटिनेशन पाए गए मिली हैं, वो कहाँ से कलेक्ट हुए, कहाँ से मिली है, वो इंडिया और अफ्रीका से मिली हैं। और जो ह्यूमंस हैं, यानी जो रामापिथिकस हैं, वो ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर हैं। जो जो जियोलॉजिस्ट हैं या जो फॉसिल पर स्टडी कर रहे हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से जो रामापिथिकस है वो डायरेक्ट एंसेस्टर है हमारा, किसका, यानी होमो सेपियंस का।